दोस्तों, जी टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल कुंडली भाग्य तो आप सभी देख ही रहे होंगे, जिसमें हमें अभिनेत्री श्रद्धा आर्या प्रीता का किरदार निभाती नजर आ रही हैं। तो वहीं सीरियल में पहले धीरज धूपर करण लूथरा के किरदार से लोगों को खूब इम्प्रेस किया था, पर कुछ महीने पहले ही अभिनेता धीरज धूपर ने सीरियल को अलविदा कह दिया था, जिसके चलते धीरज धूपर के चाहने वाले काफी ज्यादा मायूस हो गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब धीरज धूपर के बाद कुंडली भाग्य सीरियल से एक और अभिनेता भी सीरियल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं। जी हाँ, आखिरकार वो कौन से अभिनेता हैं और वो क्यों सीरियल को अलविदा कह रहे हैं, चलिए आपको भी बताते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। पर इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली भाग्य सीरियल में कुछ महीने पहले ही 5 साल का जनरेशन लीप आया था, और लीप के बाद धीरज धूपर ने सीरियल को अलविदा कह दिया था, जिसके चलते धीरज धूपर यानी कि करण को दर्शक खूब मिस करते थे, और दर्शक आज भी चाहते हैं कि धीरज धूपर की दोबारा से सीरियल में एंट्री हो। लेकिन आपको बता दें, अब धीरज धूपर के बाद सीरियल का एक और चहेता अभिनेता सीरियल को अलविदा कह रहा है। जी हाँ, दरअसल वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि शक्ति अरोड़ा हैं, जो कि सीरियल में अर्जुन सूर्यवंशी का किरदार बखूबी से निभा रहे थे, और धीरज धूपर के बाद इस सीरियल की पूरी बागडोर इन्होंने संभाली थी, और इन्होंने इस सीरियल में अपनी एक्टिंग और अपने एक्सप्रेशंस लोगों को खूब इम्प्रेस किया है, जिसके चलते अब दर्शक शक्ति अरोड़ा को सीरियल में खूब पसंद करते थे। और जब से खबर आई कि शक्ति अरोड़ा सीरियल को अलविदा कहने वाले हैं, तब से उनके फैंस बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए हैं, और वो नहीं चाहते कि शक्ति अरोड़ा सीरियल से एग्जिट हो। इसी के साथ बता दें, शक्ति अरोड़ा सीरियल को अलविदा कहें पर सीरियल में 20 साल का जनरेशन लीप आएगा, और लीप के बाद सीरियल में इन्हें पिता का रोल निभाना था, पर ये सीरियल में पिता का रोल नहीं निभाना चाहते, इसी वजह से ये सीरियल को अलविदा कहने वाले हैं। वेल दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि शक्ति अरोड़ा सीरियल को अलविदा कहें या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।